कन्नौज में नाबालिग बच्ची संग दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में पकड़ा गया सपा नेता नवाब सिंह यादव। तमिलनाडु कांग्रेस खेल विंग के कार्यकर्ताओं ने पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित की गई पहलवान विनेश फोगाट के लिए न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। அர்ஜுன் அவார்டு பதக்கம் அப்புறமா வந்துட்டு கவர்மெண்ட் வந்து பிஜேபி அரசாங்கம் செய்திக்கு தாக்கல அப்பதான் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் பேசுறாங்கன்னா பேசல இவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுறாங்க இவங்க 53 வெயிட் கேட்டகரி உட்பட்டவங்க 53 வெயிட் கேட்டகரி இவங்க வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उसमें लगे आरोपों पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, अगर तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच नहीं होगी और जांच करने वाले या कानून का पालन कराने वाले लोग ही संदेह के घेरे में होंगे तो सच कैसे सामने आएगा। और अब लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, ये तथ्यों के आधार पर अगर निष्पक्ष जाँच नहीं होगी और वो लोग अगर संदिग्ध हैं और शक के घेरे में हैं जो खुद जाँच करते हैं या जो कानून की पालना इंश्योर करते हैं तो फिर सच्चाई के सामने आएगी। और कांग्रेस पार्टी की जो डिमांड है बिल्कुल जस्टिफाइबल है और जेपीसी के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि इसके तह तक पहुंचा जाए, क्योंकि बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। और मैं समझता हूं कि भविष्य में अर्थव्यवस्था के अंदर निवेशकों के अंदर जो हम लोगों को कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए वो तभी हो पाएगा जब सच्चाई सामने आएगी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर बताया कि हाल ही में मेरी एक भगिनी से मुलाकात हुई जिसकी इच्छा गुवाहाटी के एक स्कूल में पढ़ने की है, उससे वादा किया है कि हम मिलकर उसके इस सपने को साकार करेंगे। न्यूरोलॉजिकल इश्यू आছে তাইক কো ট্রিটমেন্ট কৰি আছে ট্রিটমেন্ট মানে এটা আমি আপোনা হস্পিটালতে আপোনা লোকে এটা কাম কৰক সেক্ষেত্ৰক আমাৰ মেডিকেল কলেজৰ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট। रात भर हुई बारिश के बाद हरियाणा अंबाला के कुछ हिस्सों में जलभराव जारी है, प्रभावित इलाकों से पानी पंप करके निकाला जा रहा है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कल बीमारी की वजह से नटवर सिंह का हो गया था निधन।